जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष से संबंधित रहस्यमयी ज्ञान सुन रहे हैं। मेष लग्न की पत्रिका में यदि अष्टम स्थान में केतु वृश्चिक राशि का बैठ जाता है तो वृश्चिक राशि जो है वह जल से संबंधित राशि कहलाती है और इस राशि का स्वभाव जो है स्थिर स्वभाव राशि होती है। तो मनुष्य धनवान होता है परंतु उस मनुष्य का भाई के बच्चे पैदा नहीं होते हैं, यही रहस्यमय ज्ञान है। तो जो उस मनुष्य की पत्रिका में, मेष लग्न की पत्रिका में केतु यदि अष्टम भाव का बैठ जाए तो उसके भाई के बच्चे पैदा नहीं होते हैं, अधिकांशतः ऐसा देखा गया है। और जब भाई के बच्चे पैदा नहीं होते तो यह व्यक्ति अपना कोई पुत्र उत्पन्न करके भाई को दान देता है और केतु अष्टम भाव में यदि मेष लग्न का होता है तो उसके दो विवाह होने की संभावनाएं होती है और धन तो उसके पास आता ही आता है। और ऐसा मनुष्य मरने के पहले यमराज के प्रत्यक्ष दर्शन भी करता है और यह भी कह सकते हैं हम कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारे सुख की प्राप्ति भी होती है। केतु की जब दशा चलती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो अष्टम भाव का केतु मेष लग्न का मंगल जैसा फल प्रदान करता है, यानी दो विवाह के योग भी हो सकते हैं। तो मंगल की स्थिति देखने के बाद मंगल कैसा है वो देखने के बाद ही केतु का सही फलादेश प्राप्त होता है। इसलिए मेष लग्न की पत्रिका में मंगल यदि अष्टम का हो, केतु अष्टम का हो, तो मंगल अच्छा है या नहीं है यह भी देखना चाहिए। परंतु यह निश्चित है कि मेष लग्न जिसका हो उसकी पत्रिका में अष्टम भाव में यदि केतु बैठा हो तो उसके जो भाई होंगे उन भाई के बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो जिन दिन के यहाँ अभी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, जिनके यहाँ पे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, वो अपने भाई की पत्रिका अवश्य चेक करवा लें कि क्या भाई की पत्रिका में ये प्रतिबंधात्मक योग तो नहीं है। मतलब रहस्यमय ज्ञान ये है कि जिनके यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं वह अपने छोटे भाई या बड़े भाई की पत्रिका अवश्य चेक करा लें ताकि उसका कोई तोड़ निकाला जा सके। जय माता दी, यानी एक भाई की वजह से दूसरे भाई के यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते हैं। जय माता दी।